शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं शनि प्रदोष व्रत। शाम में क्यों होती है पूजा, जाने सब कुछ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि पूर्वक करते हैं। पूजा के दौरान शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। शनि प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय में की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय क्यों करते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के बाद भगवान शिवानंद से मग्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं। उस समय वह प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इस वजह से उस समय में उनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो और मनोकामनाएं पूरी हों। यही कारण है कि प्रदोष को शाम के समय शिव पूजा होती है। शनि प्रदोष व्रत पूजा विधि। शनि प्रदोष वाले दिन सुबह उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। फिर शनि प्रदोष व्रत और शिव पूजा का संकल्प करें। फिर दैनिक पूजा कर लें। दिन भर फलाहार पर रहें, उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, उसके बाद शिव जी को बेलपत्र, अक्षत, भांग, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, शक्कर, शहद, धूप, दीप आदि अर्पित करें। शिव चालीसा और शनि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें, उसके बाद शिव जी की आरती करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शिव कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हों।